वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ सीटेट 2020 के लिए सीडीपी की क्लास। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये यूपीटेट सीटेट केवीएस टीजीटी पीजीटी सभी जो हमारे स्टेट्स के एग्ज़ाम हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है वो है लर्निंग। इसके दो पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 14, 15, 16 आज जो हमारी वीडियो जो नंबर है वो 16वीं वीडियो है सीडीपी की। इसका पार्ट थ्री है, लर्निंग का पार्ट थ्री है। अगर इसके पहले भी कई सारे टॉपिक हो गए हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, वृद्धि विकास, अगर आपने को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भी वीडियो हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्थानांतरण के प्रकार। किसके प्रकार? स्थानांतरण के प्रकार। तो स्थानांतरण, जैसे कि मैंने स्थानांतरण किस यूज में हो रहा है, तो स्थानांतरण मैंने बताया था, जैसे कि हमने एक अगर हमने साइकिल चलाना सीख लिया, ठीक है, क्या हमने साइकिल चलाना सीख लिया तो हम मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं आसानी से। मतलब हमने साइकिल के चलाने में सीखा हुआ ज्ञान मोटरसाइकिल को चलाने में यूज किया, मतलब हमने अपने ज्ञान का स्थानांतरण किया, या इसको हम सीखने का स्थानांतरण भी कहते हैं, ये हमने बताया। तो स्थानांतरण जो होते हैं अब कितने प्रकार के होते हैं, तो स्थानांतरण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। तो देखते हैं सकारात्मक स्थानांतरण होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा कार्य किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जब एक स्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी स्थिति में सहायक हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? सकारात्मक। मतलब साइकिल वाला जो एग्जांपल हुआ इसमें फिट हो गया। फिर हमारा है नकारात्मक स्थानांतरण। तो नकारात्मक स्थानांतरण क्या हुआ? जब एक स्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी स्थिति में सीखे गए कार्य में बाधा उत्पन्न करे तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमको पता है कि एक फोर व्हीलर है, ठीक है फोर व्हीलर है, किसी भी कंपनी की अल्टो वल्टो ले लो, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, उसके जो सिस्टम होते हैं क्लच वगैरह गियर वगैरह जो भी होता है, वो उसको स्टार्ट करने का तरीका अलग है। तो मतलब हमने तो वो चलाना सीख लिया, उसके बाद हमने कोई महंगी गाड़ी चलानी सीखी, ठीक है, फोर व्हीलर ही हमने महंगी गाड़ी चलाना सीखी, लेकिन उसका सिस्टम अलग है। मतलब अगर हम उसको चलाने जाएंगे, अगर हम उसके बताए गए सिस्टम जो है उसको चलाने का जो तरीका है इस पर अप्लाई करेंगे तो हम नहीं चला पाएंगे। मतलब जो सीखा हुआ ज्ञान था वो नकारात्मक सिद्ध हुआ, ठीक है, मतलब वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि हम सोचेंगे हमने तो उसमें ऐसा किया था और इसमें ऐसा हो नहीं रहा, मतलब वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह का स्थानांतरण क्या हुआ? नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। अब बात करते हैं शून्य स्थानांतरण की। तो शून्य स्थानांतरण क्या होता है? जब एक स्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी स्थिति में सीखे गए कार्य पर कोई प्रभाव नहीं डाले तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। मतलब एक स्थिति में सीखा गया कार्य, हम मतलब कि यहाँ पे आपको समझा दें, एक हमने कोई चीज़ सीख ली है, ठीक है, और हमने दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो उस सीखे हुए चीज़ का इस चीज़ में यूज ही नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण। जैसे कोई इसका एग्जांपल हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हमारे रोटी खाने का तरीका अलग है और चाउमीन या मैगी खाने का तरीका अलग है, ठीक है। तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसका अपना स्थान, ये इसका जो हमारे रोटी खाने का तरीका इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है और ना ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मतलब क्या हुआ? शून्य स्थानांतरण। अगर हम ये कह दें कि मैगी और चाउमीन को बोले तो वो उनमें अगर हमने पहले चाउमीन खाई है बाद में मैगी खाते हैं तो हम आसानी से खा सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि कैसे खानी है। तो मुझको कौन सा स्थानांतरण हुआ? वो हमारा सकारात्मक स्थानांतरण हुआ, ठीक है। और बात करते हैं आगे, तो एक मिनट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीखने के विभिन्न सिद्धांत विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। मतलब बहुत सारे सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं ये देखते हैं। पहला है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? थॉर्नडाइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अथवा प्रयास अथवा त्रुटि का सिद्धांत या बंध सिद्धांत SR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
देखो भैया अनाउंसमेंट हो रहा है कोरोना वरोना का, और आपको बता दें कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, घर में रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, और ये जो हमारी वीडियोस होती रहती है इनको देखते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, डोंट वरी। क्लासेस अगर नहीं जा पा रहे तो मत जाइए, कोई बात नहीं है, कुछ दिन रुक जाइए, तो तब तक आप हमारी वीडियो देखते रहिए, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। हाँ, तो क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि सीखने का जो प्रमुख सिद्धांत, किसका, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास अथवा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। बंद सिद्धांत या SR सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। तो मतलब ये तीनों नाम एक ही हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास अथवा त्रुटि सिद्धांत, हमारा नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक सिद्धांत के बारे में आपको अच्छे से मैं आप अभी तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं इन सब जो हमारे ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक 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 उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है उनकी मैं एक बड़ी सी वीडियो बताऊँगी, प्रॉपर समझाऊँगी, अभी एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उस वीडियो का वेट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे दिया है, इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अथवा प्रयास अथवा त्रुटि का सिद्धांत, बंद सिद्धांत, SR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया इस सिद्धांत के जन्मदाता EL थॉर्नडाइक है, मतलब कि ये जो सिद्धांत है इसको हम उद्दीपन अनुक्रिया, प्रयास अथवा त्रुटि का सिद्धांत, SR सिद्धांत भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत कोई व्यक्ति कार्य सीख जाता है तब उसके समझ एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। मतलब ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कार्य तब सीखता है जब उसके सामने कोई उद्दीपक रखा होता है, मतलब कोई विशेष स्थिति में होता है तभी वो सीख जाता है कोई भी कार्य जो उसे एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होता है, इसे SR बॉन्ड थ्योरी या SR थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की व्याख्या विभिन्न माध्यमों के द्वारा की है, इसमें बिल्ली तथा चूहे पर प्रयोग किए गए एवं पंडुलस मछली पर भी प्रयोग किया गया था। तो इस जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है, हमारे थॉर्नडाइक है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। और इस सिद्धांत के अंतर्गत तो मैंने पढ़ लिया है ना, हाँ, तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था, एक और जो फंडुलस मछली थी जो मरी हुई मृत मछली थी उस पे किया था। और आपको ये बता दें कि ये जानवरों पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जानवरों पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो थॉर्नडाइक थे। तो बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने क्या किया था आपको बताते हैं, इन्होंने क्या किया, जो बिल्ली थी उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाहर एक उद्दीपक रख दिया। फिर क्या हुआ कि वो पिंजरे को बंद कर दिया था और बाहर वो बिल्ली जो कर रही थी उछल कूद करने की एक अनुक्रिया कर रही थी, वो बार बार प्रयास कर रही थी बाहर निकलने का, नहीं कर रही थी निकल पा रही थी, उससे बार बार त्रुटियाँ हो रही थी। फिर उसने प्रयास किया, फिर उसे टूटी गई, फिर धीरे धीरे संयोगवश क्या हुआ, जो पिंजरे का जो लीवर था उस पर उसका पैर पड़ गया, तो पैर पड़ गया तो पिंजरा जो था वो ओपन हो गया, पिंजरा ओपन हो गया तो बाहर निकल के उसने उद्दीपन जो खाना रखा था वो प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीखना चाहता है वो बार बार प्रयास करके सीख ही जाता है, ठीक है, सीख ही जाता है। तो ये किसने बताया है, थॉर्नडाइक ने बताया है। फिर ये क्या कहते हैं कि थॉर्नडाइक ने उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर दो नियम भी प्रतिपादित किए। कौन से नियम प्रतिपादित किए, पहले तो आपको ये बता दें ये जो नियम है उनको क्या कहते हैं, सीखने के नियम। अगर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, अगर आपसे पूछा जाए सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए, तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। किसके द्वारा दिए गए, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। फिर है हमारा प्राथमिक, इन्होंने कौन से नियम दिए थे, दो नियम दिए थे, एक था प्राथमिक नियम जिसको मुख्य नियम भी कहते हैं, दूसरा था गौण नियम। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए, दो नियम दिए, एक था प्राथमिक नियम जिसे हम मुख्य नियम भी कहते हैं, दूसरा था गौण नियम। जो प्राथमिक नियम है, ठीक है, जो प्राथमिक नियम है उसमें क्या था, तो प्राथमिक नियम में जो था वो ये है कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है। ये जो मैं सब पढ़ा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
थॉर्नडाइक के जो प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। कौन कौन से है? अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। और गौड़ नियम कौन से हैं, तो सीखने इनके गौड़ नियम जो हैं वो हैं बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, समानता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मानसिक स्थिति का नियम। कौन कौन से हैं? बहु अनुक्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, समानता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मानसिक स्थिति का नियम। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, डोंट वरी। आगे की वीडियो में कंप्लीट करते हैं और थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। और ये जो है पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, ये सब ये जो है मैं कल पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और तो चलिए, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।